So hi guys, hello and welcome back to our YouTube channel. So we are in this beautiful property which is Marin Sea View Resort. और जैसा कि नाम ही है Sea View, तो Sea View is this and this is the beautiful resort. So we are in South Goa and we are staying in this beautiful property. और हम यहाँ कल भी हमने यहीं स्टे किया था और आज भी हमारा स्टे यहीं पर है. तो ये इस प्रॉपर्टी में काफ़ी सारी हट्स बनी हुई हैं. कुछ हट्स हैं सी व्यू के साथ और कुछ हैं गार्डन फेसिंग. तो हमने जो लिया है वो लिया है सी फेसिंग. तो अभी हम आपको रूम टूर देंगे, बट उससे पहले अपनी प्रॉपर्टी का एक लुक लीजिए. प्रॉपर्टी लुक्स लाइक सराउंडेड बाय कोकोनट ट्रीज एंड इन फ्रंट अ ब्यूटीफुल सी व्यू. तो अगर आप कभी फैमिली के साथ गोवा आ रहे हैं तो साउथ गोवा आप आ सकते हैं. और आप पालोलम बीच में और भी रिजॉर्ट्स देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स हैं. तो ये जो मैरिन सी है ये सबसे कॉर्नर में है और यहाँ पे क्राउड भी थोड़ा सा कम रहता है, इसलिए हमने ये वाला चूज़ किया बिकॉज वी आर हेयर विथ आवर बेबी. सो तो हमने बीच पे ही रिजॉर्ट लिया है ताकि हमें कहीं घूमने ना जाना पड़े, क्योंकि बेबी के साथ घूमने में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है उसको बार बार फीड करने का और वो सब. जो लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे मुझे कि इट इज़ रियली चैलेंजिंग टू ट्रैवल विद एन इन्फेंट स्पेशली. आई सुड से जो पालोलम बीच है वहाँ पे काफ़ी सारे और भी रिजॉर्ट्स हैं. पूरे ये जो पूरी लाइन दिख रही है इसमें सारे रिजॉर्ट्स हैं एंड तक. तो इस रिजॉर्ट की खास बात ये है कि यहाँ का जो फूड है वो हमें काफ़ी अच्छा लगा और हमने चाइनीज़ भी खाया, हमने इटालियन फूड भी लिया यहाँ पे. तो एंड ब्रेकफास्ट इज़ ऑल्सो गुड हेयर. सो फूड के लिए आई विल रिकमेंड दिस रिजॉर्ट, क्योंकि यहाँ पे ट्राइड एंड टेस्टेड ये मैं बता रही हूँ आपको, ये खाना डेफिनेटली अच्छा मिलने वाला है यहाँ पर आपको. सो यहाँ पे जो रूम्स हमें मिलते हैं वो तीन कैटेगरी के रूम मिलते हैं. एक गार्डन व्यू है और दो कैटेगरी हैं सी व्यू में. एक एक लग्जरी सी व्यू है और एक है प्रीमियम लग्जरी सी व्यू. तो हमने जो किया है वो प्रीमियम लग्जरी सी व्यू किया है, जिसमें कि आपको बालकनी से सीधा सी व्यू दिखता है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन और विदाउट एनी ऑब्जेक्ट. कुछ इस तरीके का व्यू दिख रहा है हमारी बालकनी से भी. तो अगर आप कभी पालोलम बीच आ रहे हैं तो आप यहाँ पे ब्यूटीफुल से रिजॉर्ट में रुकने के साथ साथ सी व्यू बीच साइड तो एंजॉय कर ही सकते हैं. और एक और चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ से जो मोटर बोट चलती हैं वो आपको लेके जाती हैं यहाँ से बटरफ्लाई बीच, मंकी आइलैंड और टर्टल रॉक भी ये लोग दिखाते हैं. तो वो जो होता है उसका चार्ज अभी हमने पता किया था, हमें उन्होंने बोला है कि 1000 पर पर्सन है. सेंटर इन द रूम, सो दिस इज़ अवर बालकनी एरिया जिसकी मैं बात कर रही थी कि यहाँ पे बालकनी में बैठ के सीधा सी व्यू क्या मस्त आ रहा है. तो कहीं और जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है आज. सो दीज आर सम चैलेंजेस जो कि अगर आप बेबी के साथ ट्रैवल करें तो आपको फेस करने पड़ेंगे. A few moments later. So enter करते हैं रूम में और आपको दिखाते हैं ब्यूटिफुल रूम विच इज प्रीमियम लग्जरी सी व्यू. Let's go inside. So यहाँ पे एक king size bed हमें मिल जाता है और अलमीरा है और इस तरीके का यहाँ पे फ्रंट है. प्लस ये आपको स्टैंड मिलता है जिसमें कि आप अपने कपड़े और सामान अपना रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं. और एक टीवी आपको मिल जाता है, प्लस फ्रिज भी है यहाँ पे, बट रेफ्रिजरेटर में कुछ नहीं है, सेम्प्टी. और एक ये अलमीरा आपको मिलती है जिसमें कि आप कभी लंबे टाइम के लिए आ रहे हैं तो अपनी ड्रिंक और सामान कुछ फूड वगैरह आइटम स्टोर करके रख सकते हैं. सो एक ये मिलता है आपको और एक अलमीरा मिलती है इधर. अलमीरा का साइज भी ठीक है, काफ़ी अच्छा स्पेशियस है काफ़ी. ओके तो अब देखते हैं वॉशरूम. ब्यूटीफुल वॉशरूम. ओके काफ़ी यहाँ पे भी स्पेस काफ़ी अच्छा है.
आज हमारा प्लान ये है कि हम रिजॉर्ट में ही रहेंगे, थोड़ा बहुत बीच वॉक करेंगे और उसके बाद हम लंच यहाँ पे नहीं करेंगे। लंच के लिए हम किसी कोई दूसरा रेस्टोरेंट या कोई कैफे एक्सप्लोर करेंगे। देखते हैं अभी विधि कितना कोऑपरेट करती है, उस पर डिपेंड करता है सब कुछ। तो यही प्लान है, उसके बाद देखते हैं हम क्या क्या एक्टिविटीज कर पाते हैं। आज हम थोड़ा मंकी आइलैंड और बटरफ्लाई बीच जाने का प्लान है। सो थोड़ा सा बीच वॉक करेंगे और कुछ फोटोग्राफी करेंगे, कुछ रील्स बनाएंगे। और अगर आप वो रील्स देखना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम हैंडल इज दिस तृप्ति एंड पारस। वो रील्स और फोटोज आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। अच्छे अच्छे व्लॉग आपने देखे होंगे, हर कोई फैंसी चीजें दिखाते हैं, बट रियलिटी ये है बेबी के साथ अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सामने बीच है, अभी इतनी सुंदर बीच है सामने और हम कमरे में बैठे हुए हैं जस्ट बिकॉज बेदू कमरों में ही है। सो इनके मूड के हिसाब से हमारा ट्रैवल होता है। तो ये कुछ एक चैलेंजेस हैं, बट इसका भी अपना अलग ही फन है और ये मेमोरीज हम लोग बना रहे हैं ट्रैवलिंग विद आपके। सो गाइस दिस इज द रेस्टोरेंट एरिया और इसमें काफ़ी सारी चेयर्स लगी हुई हैं सी फेसिंग, तो यहाँ पे बैठ के आप इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर एंजॉय कर सकते हैं। रिसेप्शन एंड रेस्टोरेंट इस प्रॉपर्टी में कुछ जो कॉटेज बने हुए हैं वो गार्डन फेसिंग है और कुछ सी व्यू फेसिंग है। तो अभी तो मैंने आपको दिखाया था सी व्यू फेसिंग, और अब चलते हैं कुछ गार्डन फेसिंग जो कॉटेज है वो देखते हैं। वो इस तरीके की हट्स बनी हुई है यहाँ पर, बट आपको सी व्यू नहीं मिलेगा, गार्डन व्यू मिलेगा। और इसका दीज आर सम चीपर एज़ कम्पेयर टू द सी व्यू फेसिंग हट्स और कॉटेज। एनीवे अगर आपको यहाँ पे काफ़ी टाइम के लिए आना है तो आप ये सी व्यू अवॉइड करके आप गार्डन फेसिंग भी ले सकते हैं, जो कि आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा और वॉकिंग डिस्टेंस पे बीच है, तो वहाँ जाके बीच वाइब्स आप इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता था कि हम ज़्यादा बीच पे हम ज़्यादा घूम नहीं पाएंगे और विधु हमें परेशान करेगी, इसलिए हमने वो वाला सेपरेट अपना कॉटेज बुक किया जिसमें कि हमें बालकनी से ही सी व्यू मिल जाए, ताकि हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो गाइस दिस इज़ द एंट्रेंस, और एंटर करते ही आपको मिलता है प्रॉपर्टी पे काफ़ी सारा स्पेस और पार्किंग के लिए भी यहाँ पे, अगर आपने कार बुक करी हुई है अपनी तो यू कैन ईजिली पार्क योर कार हियर। काफ़ी सारी स्पेस है एंड दिस इज़ द एंट्रेंस, और ये प्रॉपर्टी काफ़ी सारे नारियल के पेड़ से सराउंडेड है, तो उसका एक अलग सुंदर लुक आ रहा है। और यहाँ पे आपको स्कूटी भी रेंट पे मिल जाती है, तो स्कूटी का प्राइस है ऑलमोस्ट 500 से स्टार्ट हो जाता है, और तो गाड़ी का प्राइस अगर आप कार बुक करते हैं तो वो आपको मिल जाती है 1500 समथिंग की, तो थोड़ा बहुत प्राइस वेरी कर सकता है। तो ये है एंट्रेंस इसका, और एंटर करते ही हमें यहाँ पे मिलते हैं गार्डन फेसिंग हट्स या गार्डन फेसिंग कॉटेज या हट्स यहाँ पे हैं, और उसके बाद जो बीच व्यू फेसिंग है वो है दूसरी तरफ। स्टिल आई वुड ऑलवेज प्रेफर माउंटेन्स ओवर बीचेस, हाँ, बट इसका अपना अलग फन है। मतलब मैं भी, मुझे भी माउंटेन्स बहुत पसंद है, बट इतना हो गया माउंटेन्स माउंटेन्स। तो हमने एक ब्रेक लिया है माउंटेन्स से छोटा सा, और नॉर्थ गोवा में क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगा। अगर आप पीसफुल जगह आना चाहते हैं तो साउथ गोवा में आप पालोलम बीच पे रुक सकते हैं, और भी दो तीन बीच हैं यहाँ पे, पालोलम अगोंडा और भी बीच में रुक सकते हैं साउथ गोवा में। और यहाँ पे ये शाल लेने का बना हुआ है, अगर आप बीच साइड जा रहे हैं, बीच में इंजॉय करके आ रहे हैं, तो यहाँ पे शाल लेके आप अपने रूम पे जा सकते हैं। तो चलो फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, अगर विधि ठीक रही तो वहीं हम लंच कर लेंगे अपना। और जैसे ही आप बीच साइड आके थोड़ा सा वॉक करते हैं तो साइड में आपको काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाती हैं, जहाँ से आप कपड़े, स्लीपर्स, हैट्स वगैरह सब कुछ ले सकते हैं। हमने भी यहीं से थोड़ा बहुत शॉपिंग करी थी, हैट वगैरह ली थी। अभी बहुत तेज धूप हो रही है तो पानी में जाने का तो बनता नहीं है, थोड़ी देर में देखते हैं, अगर वेदू सही रही तो हम निकलेंगे अपना बटरफ्लाई बीच के लिए, नहीं तो थोड़ा रेस्ट करेंगे उसके बाद शाम को जाएंगे बटरफ्लाई बीच, है ना। अरे यहाँ पे कितने छोटे छोटे साइड के बने हुए प्राइवेट स्पेसेस बने हुए हैं,
ये कौन सा है? आर्ट रिजॉर्ट। ओके, ये सब एक्चुअली बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं, तो अगर आप लोग कभी इस तरीके से प्लान कर रहे हैं आर्ट रिजॉर्ट की, बहुत बढ़िया रिजॉर्ट है, यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। और एक टाको, क्या है, कोकोस, कोकोस एक कोकोस भी है। 3 हफ्ते का टाइम लेके चलिए, पहले बुक कर दीजिए। हाँ, हमने भी, हमें भी ये पसंद आया था, बट ये सब बुकिंग हो चुकी थी ऑलरेडी, हमें रूम्स मिलेंगे इसमें। तो चलते हैं आर्ट कैफे में, आर्ट रिजॉर्ट भी इनका कैफे भी है यहाँ पर। हेलो, धूप पार देगी फिर और दिक्कत हो जाएगी। ये भी काफी अच्छा लग रहा है ना? बेस्ट रिजॉर्ट्स इन पालोलम बीच, आर्ट कैफे, आर्ट रिजॉर्ट। नाइस। इसमें क्या पेंटिंग वगैरह का है कि और क्या क्या है इसमें आर्ट में? पेंटिंग्स और क्या क्या? पॉटरी है। अच्छा, पॉटरी है ना, ये पॉटरी क्लास। नहीं क्या लेनी है क्या? तो कितना टाइम उनका होगा? हाँ, डेढ़ दो घंटे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा 2 आवर्स। नहीं सर, क्या चार्ज है? अच्छा वो है, ये दूसरा सेपरेट है। अच्छा ओके ओके, यहाँ पे काफी कुछ है करने के लिए। तो चलते हैं बीच साइड, अब फिर से थोड़ा सा वॉक करते हैं, थोड़ा सा तो यहाँ पे हर किसी रिजॉर्ट के सामने ऐसे बाहर सिटिंग एरिया बना हुआ है, जहाँ पे आप बैठ के लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हैं। ये भी अच्छा दिख रहा है, चिकन टिक्का और मैंने लिए इसके साथ फ्रूट पंच, तो अच्छा है। बस मुझे थोड़ा सा फ्राइज यहाँ पे समझ में नहीं आई, और थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ऑयली सी लग रही है। सो गाइस, हमने कुछ स्टार्टर्स ही वहाँ पे लिए थे, तब तक कि दोनों ने अपने टैंट्रम्स हमें दिखाने स्टार्ट कर दिए, तो एक्चुअली उसके सोने का टाइम है, तो इसलिए हम रूम पे आ गए। तो अभी हमने उसको सुला दिया और हमने लंच ऑर्डर कर लिया अपना यहीं पे। तो यही कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं बेबी के साथ ट्रैवल करने के। तो हमारा इस बार, हमने अभी सोचा कि लंच पे हम कुछ चाइनीज़ ट्राई करते हैं। हमने मंगाया नूडल्स एंड मंचूरियन। कैसा लगा तुम्हें चाइनीज? मतलब अच्छा है, मुझे तो सही लगा, खाना सही लगा, एक्सेप्ट फ्रेंच फ्राइज, जो कि मुझे उतनी पसंद नहीं आई। आई डोंट नो, वो तो अपना अपना भी है, बट थोड़ा सा ऑयली ज़्यादा थी, बट और अच्छी हो सकती थी। A few moments later. So guys, इस beautiful से शाम के साथ यहीं पे करते हैं इस वीडियो को end. और I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, उससे हमें और मोटिवेशन मिलती है नए वीडियोज़ बनाने की। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में फ्रॉम गोवा, तब तक के लिए टाटा बाय, स्टे सेफ।